सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 33 एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट देख रहे हैं। द सॉफ्टवेयर इक्वेशन। अब ये जो सॉफ्टवेयर इक्वेशन है इसमें आप देखेंगे काफी सारे वेरिएबल हैं और ये डायनामिक है। इसमें क्या करते हैं कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसमें जितना एफर्ट लगा है टोटल वो डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट हम निकालते हैं। अब ये आया कहां से है? ये बना है 4000 से भी ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया गया है और वहां से ये इक्वेशन बनी है। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में ये ई इक्वल्स एलओसी, ध्यान रखिएगा कि ये एलओसी है, केएलओसी नहीं है। जितने भी बाकी हमने एक्सप्रेशन देखे हैं उसमें केएलओसी, किलो लाइन ऑफ कोड यूज होता है, यहां लाइन ऑफ कोड है। ये बी जो है इसको कहते हैं स्पेशल स्किल फैक्टर, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर स्पेशल स्किल चाहिए वो चीज यहां पर आ जाएगी। पी आपका है प्रोडक्टिविटी फैक्टर, ये एक वैल्यू होती है, एक एग्जाम्पल में लेंगे इसको। और आपका टी की पावर 4, ये है आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कितना समय लगा, ये मंथ और ईयर्स में आता है। तो एक एक करके फिर से बता देता हूं, ये है एफर्ट, ये पर्सन मंथ में होगा या पर्सन ईयर में होगा। पर्सन मंथ ये इसकी लॉजिकल यूनिट होती है। टाइम है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मंथ महीने या साल में। इसमें जो बी देख रहे हैं स्पेशल स्किल्स फैक्टर है, और पी जो है ये है आता है प्रोडक्टिविटी पैरामीटर। अभी प्रोडक्टिविटी पैरामीटर क्या बताता है? ये बताता है कि आपका जो संस्थान है जहां ये प्रोजेक्ट बन रहा है या बनेगा वो किस मैच्योरिटी लेवल में है, किस तरीके से, किस लेवल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इसमें चलाई जाती हैं, कौन से लेवल के आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट का क्या स्टेट है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सॉफ्टवेयर टीम का स्किल और उसका एक्सपीरियंस कितना है, और आपके एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी चीजें पी में आ जाती हैं। जैसे जो पी की वैल्यू वेरी करती है, या फिर पी जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में भी देखेंगे अभी, प्रोडक्टिविटी फैक्टर, अगर ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो रियल टाइम हो, यानी कि एक पर्टिकुलर समय में हमको रिस्पॉन्स आना ही चाहिए। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब जैसे आपके माइक्रोवेव ओवन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, उस तरीके का सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, तो पी बराबर 2000 लेंगे, पी बराबर 10000 लेंगे यदि ये दूर संचार या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, जैसे ड्राइवर्स होते हैं, अलग अलग चीजों के ड्राइवर होते हैं। ऐसे पी बराबर 28000 यदि बिजनेस सिस्टम एप्लीकेशन है, किसी एक संस्थान के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब जो प्रोडक्टिविटी पैरामीटर है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम अभी एक एग्जांपल में देखेंगे कि वो थोड़ा अलग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लोकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, ऐतिहासिक डेटा जो है, और जो पहले डेवलपमेंट हो चुके हैं, पहले हम ये संयोजन प्रयोजन कर चुके हैं, उसकी वैल्यूज इसमें यूज होती है। सॉफ्टवेयर इक्वेशन इसमें देखिएगा दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। कौन कौन से इसमें पैरामीटर है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखते रहिए। इसमें दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, एक तो ये लाइन ऑफ कोड है यहां पे, और एक ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है टी। बी और पी तो हमारी फिक्स वैल्यूज हैं जो हम लेंगे, बाकी जो दो वैल्यू जो मैंने आपको बताई ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं। जैसे आप लिखते हैं ना वाई बराबर एफ एक्स, इसमें क्या होता है, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसमें एलओसी और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पुतनाम और मायर्स ने इसको थोड़ा सा और सरल किया, और उन्होंने इसी सॉफ्टवेयर इक्वेशन से जो आप यहां देख रहे हैं उससे एक आसान सी इक्वेशन बनाई, और इन्होंने कहा टाइम और एफर्ट निकालने के लिए बड़े आसान सी इक्वेशन बना देते हैं। टाइम निकालने के लिए है 8.14 इंटू एलओसी बाय पी की पावर 0.43। पी क्या था? प्रोडक्टिविटी फैक्टर, जो इस तरीके से नंबर्स में आएगा। अगर ये तब आएगा जब समय, जो मिनिमम टाइम है, वो 6 महीने से ज्यादा का हो, तब आप इसे यूज करेंगे। ओके, जो आपका एफर्ट है वो कितना आएगा,
180 इंटू बी, बी क्या है स्पेशल स्किल फैक्टर, और टी की पावर 3 ये पर्सन मंथ में आएगा। यदि एफर्ट आपका 20 पर्सन मंथ से ज्यादा हो तब आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। टाइम इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं ये टाइम है सालों में, ईयर्स में है। अब मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशन है, मैकेनिकल कंपोनेंट के लिए बनाना है इसको, तो इसके लिए स्कोप बनाएंगे आप, फंक्शन निकालेंगे, तमाम चीजें करेंगे, लाइन ऑफ कोड पहले डिसाइड करेंगे, लाइन ऑफ कोड निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए। तो अगर इसी इक्वेशन का हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे, जैसे पी की अलग अलग वैल्यू है, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए हम मान के चलते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के दर्जे में आता है, तो पी की जो एक रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 12,000, तो पी हम इसमें लेंगे 12,000। बी की वैल्यू, ये भी हमारी फिक्स वैल्यूज हैं, तो 0.28 इसके लिए लेंगे, और लाइन ऑफ कोड ये मान के चलता हूं मैं क्योंकि इसके लाइन ऑफ कोड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले कई डिस्कशन में, जब हमने फन एफपी बेस्ड, यूज केस पॉइंट बेस्ड और आपका प्रोसेस बेस्ड, ऐसी एलओसी इसमें आई करीबन 33,200 लाइंस आएंगी। अब ये सारी वैल्यू आपको मिल गई, अब इसमें रख दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे 8.14, लाइन ऑफ कोड की जगह डालेंगे 33,200 नंबर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा इसको आप लाइन ऑफ कोड में डालेंगे, केएलओसी में नहीं डालेंगे, केएलओसी करना होता तो आपको 1000 से डिवाइड करना होता। पी मैंने बताया आपको 12,000 है, तो इसमें जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू आएगी, ये सारी वैल्यू डाल दी, एलओसी 33,200, ये आपका 12,000 की घात की पावर 0.43, 12.6 कैलेंडर मंथ आ गया। अब आपको एफर्ट निकालना है, 180 तो है ही, टाइम आपके पास क्या है पहले आपको बताता हूं, एक मिनट, ये आपका हो गया बी, बी क्या है 0.28 जो यहां पर है। अब मान के चलते हैं क्योंकि आपका टाइम तो यहां पर आ ही गया 12.6, अब 12.6 कैलेंडर मंथ्स है, अब आप आराम से कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, ये महीने हैं, इसको साल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये टाइम में कन्वर्ट करेंगे 12.6 मंथ्स जो होता है ये 1.05 ईयर्स के बराबर होता है, तो यहां पर 1.05 डालेंगे आप, 180 इंटू 0.28 इंटू 1.045 की पावर 3, ये 58% मंथ आ गया। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टिमेशन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, अब ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज हुआ है उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो हमारे कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर तरीके हैं जैसे फंक्शन पॉइंट एनालिसिस हो गया या फिर आपका यूज केस एनालिसिस हो गया, इन सब का इस्तेमाल करेंगे, कोकोमो भी यूज कर सकते हैं आप, उन सब का यूज करेंगे, और साथ में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशली डिजाइन टेक्निक है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, लॉरेंस और किड साहब ने बताया कि पहले आपको जो एफर्ट डिकम्पोजिशन है उसका इस्तेमाल करके एफपी एनालिसिस वगैरह करके आपको एक एस्टिमेट निकालना है। अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके रिक्वायरमेंट मॉडल पे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से जो जनरेट हुआ है, इसके निकालेंगे यूज केसेस और ये देखेंगे कितने यूज केसेस हैं, एन निकालेंगे इसका कितने यूज केसेस आ गए। अब इसी रिक्वायरमेंट मॉडल से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूज केसेस हमने देख लिए, कितने हमारी की क्लासेस हैं, ये क्लासेस हमको बनानी ही पड़ेगी, क्लासेस हम यहां से आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हर एक क्लास जो है उस, क्योंकि हर एक क्लास अलग अलग तरीके की हो सकती है, इस क्लास के लिए जैसे की क्लास हमने निकाल ली, जो मान लीजिए हमारे पास ये 3 की क्लासेस आ गई, इसके लिए हमारे पास ये की 1 हो गया, की 2 हो गया, की 3 हो गया, इसके लिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 ये निकालनी होगी ना, क्योंकि सपोर्ट क्लासेस लगेंगी इसके लिए, ऐसे इसके लिए भी लगेंगी, इसके लिए भी लगेंगी, तो कितनी लगेंगी वो हमको पता करना होगा कि हमारी जो की क्लासेस है वो किस तरीके की है या हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके का है। देखिए मान लीजिए कि ये जो की क्लास है ये आपकी GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो आप क्या करेंगे, इस की क्लास जितने भी आपके की क्लास है उसको, जैसे मान लीजिए आपके 4 की क्लासेस है, 3 की क्लासेस है, इसमें 2 जो है मान लीजिए GUI बेस्ड है, तो 2 और 2 की क्लासेस हैं जो GUI बेस्ड है, तो 2 into 2 कर देंगे, ये ना ऐसे नहीं,
आप क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे 2.50। कहने का मतलब कि जो भी जितनी भी आपकी की क्लासेस हैं उससे सपोर्ट क्लास कैसे निकल के आएगी, वो इस मल्टीप्लायर से निकल के आएगी। अगर मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स जीयूआई है, मान लीजिए 3 कॉम्प्लेक्स जीयूआई वाले हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर कोई ऐसा है टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस, मान लीजिए n है आपकी ऐसी क्लासेस जिसमें टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस है, तो उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई ऐसी है जो जिसमें जीयूआई है ही नहीं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब आपको क्या देगा, आपको सपोर्ट क्लासेस देगा। अब आपके पास की क्लासेस भी आ गए, सपोर्ट क्लासेस भी आ गए। अब क्या करेंगे कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपकी बन गई, मान लीजिए ये कैपिटल एन हो गई, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको वर्क यूनिट पर क्लास, हर एक क्लास के एवरेज नंबर ऑफ वर्क यूनिट पर क्लास। अब ये क्या होगा, लॉरेंस और किट्स सामने इसका नंबर दिया है, इन्होंने कहा है कि 15 से लेकर 20 पर्सन मंथ पर क्लास के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आप कर लेंगे, जब ये कर लेंगे तो आपको यहां से एस्टिमेशन मिल जाएगा पर्सन मंथ में। ये तरीका है निकालने का। अब आप ये कर सकते हैं कि भाई जो आपने ये तरीके अपनाए हैं और जो ये निकाला है इसका एवरेज करके आप वो भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इससे जो वैल्यू आई, इससे वैल्यू जो आई वो ठीक है कि नहीं, कंबाइन करके देख सकते हैं, एवरेज करके देख सकते हैं। एस्टिमेशन फॉर एजाइल डेवलपमेंट। एजाइल में हर चीज बड़ी फास्ट होती है, हमारा टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, हर बार हमको इंक्रीमेंट देना पड़ता है या फिर डिलीवरी देनी पड़ती है। तो क्योंकि जो एजाइल प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वगैरह के हिसाब से नहीं बनाते हैं, इसमें हम यूजर स्टोरीज या यूजर सिनेरियोज के हिसाब से बनाते हैं। ओके, यूजर स्टोरीज होंगी इसमें, और उसी यूजर स्टोरी में फिर कुछ बैकलॉग होते हैं, बैकलॉग से एक एक चीज निकालते हैं। अलग अलग है आप कौन सा यूज कर रहे हैं, स्क्रम यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग है। जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आप यूजर स्टोरीज कहते हैं इसको, यूजर सिनेरियोज, चलिए सबके लिए कंबाइंड मान के चलते हैं कि एजाइल में हम यूजर सिनेरियोज का यूज करते हैं। यहां पर हम एस्टिमेशन अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम अनुमान लगाएंगे। ये ऐसी अनुमान हमारी पद्धति होगी जो इनफॉर्मल होगी, थोड़ी डिसिप्लिन होगी, मीनिंगफुल रहेगी, और ये हर एक सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट, आज ये डिलीवरी की, अगली बार ये डिलीवरी करेंगे, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि यहां पर मल्टीपल इंक्रीमेंट हर बार डिलीवर हो रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि एजाइल डेवलपमेंट के बहुत सारी तकनीकें हैं, एक नहीं है। वो कौन कौन सी तकनीक है, प्लानिंग पोकर, टी शर्ट साइजेस, डॉट वोटिंग, द बकेट सिस्टम, लार्ज अनसर्टेन स्मॉल, एफिनिटी मैपिंग, ऑर्डर मेथड, ऐसे भी और भी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसमें। तो यहां पर अगर हम बहुत बेसिक मेथड लेके चलें तो वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, जितनी भी यूजर सिनेरियो या यूजर स्टोरीज है उसको हमको अलग अलग लेना पड़ेगा। बहुत सारी यूजर स्टोरीज बनती हैं, उनको हम अलग अलग लेंगे। अब ये जो यूजर स्टोरी है इसको हम देखेंगे कि भाई इसमें हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या क्या काम लग रहे हैं, उस हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे, डिकम्पोज करेंगे। अब हर एक पार्ट को, हर एक टास्क को हम अलग से सेपरेटली करेंगे। अब इसका एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे हम, इसका एस्टिमेशन हो सकता है कि कोई हमारा ऐतिहासिक डेटा हो, कोई आप एम्पेरिकल मॉडल यूज कर लीजिए, जैसे सॉफ्टवेयर इक्वेशन यूज कर लीजिए, कोकोमो मॉडल यूज कर लीजिए, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ऐसे टीम मेंबर है जो बता सकते हैं कि इसका इतना टाइम लगेगा, वो यूज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप वॉल्यूम सिनेरियो, वॉल्यूम एक इस सिनेरियो का वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। और ये कैसे पता करेंगे, वॉल्यूम कैसे पता किया जाता है, लाइन ऑफ कोड से पता कर लीजिए, फंक्शन पॉइंट से पता कर लीजिए, ये तरीके भी हम सीख चुके हैं। या हमारे पास यूज केस काउंट वाला भी एक सिस्टम है, वो भी हम देख चुके हैं, वॉल्यूम ओरिएंटेड मेजर कहते हैं उसको। अब जितने इनके आपके अलग अलग टास्क के आ गए एस्टिमेट, इन सबको जोड़ दीजिए उस सिनेरियो के लिए, और या ये करिए कि जो वॉल्यूम एस्टिमेट है इस सिनेरियो के लिए इसको आप एफर्ट में तब्दील कर दीजिए, वो तो हम निकालना जानते ही हैं, लाइन ऑफ कोड और एफपी से बहुत तमाम तरीके हम सीख चुके हैं, और ये फिर सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए जितना भी आपका निकला। तो फाइनली आप ये देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट की कम है, आप
21 दिन से लेकर 42 दिन तक इसका रहता है। तो इस अप्रोच से आपको फायदा ये होगा कि आपको पता है कि जितने सिनेरियोज हैं अगले इंक्रीमेंट में या इस इंक्रीमेंट में या पिछले इंक्रीमेंट में कितने क्या दिए और क्या रिसोर्सेस इसके लिए हमें चाहिए, जो ऐसे अगला देना है तो क्या रिसोर्सेस चाहिए। और इसमें यह है कि हमारे पास एक बेसिस रहेगा कि अब इस इंक्रीमेंट के लिए हमें इतना एलोकेशन करना पड़ेगा, इतने आदमी और लगाना पड़ेंगे, इतना और हमको रिसोर्सेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एस्टिमेशन फॉर वेब प्रोजेक्ट्स, वेब ऐप, वेब एप्लीकेशन के लिए। तो वेब ऐप प्रोजेक्ट नॉर्मली एजाइल प्रोसेस मॉडल फॉलो करते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पहले से ही LOC बेस्ड या फंक्शन पॉइंट बेस्ड, यूज केस पॉइंट बेस्ड, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का हम देख चुके हैं कैसे करना है, तो उसी का हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। अब यहां पर क्या करेंगे, रॉजाइम साहब कहते हैं कि जो फंक्शन पॉइंट्स है उसके अलावा वेब ऐप एप्लीकेशन में कुछ चीजें और जोड़नी पड़ेंगी, और क्या है वो, एक तो इनपुट्स लेने पड़ेंगे, हर एक जो वेब ऐप में स्क्रीन आने वाली है या फॉर्म आने वाला है इसको, इसमें इनपुट्स ये होंगे, जो अगर मान लीजिए कोई आपकी मेंटेनेंस स्क्रीन भी हो वो भी इनपुट का काम करेगी। अगर मान लीजिए आप ने अपने एप्लीकेशन में यहाँ पर टैब दे रखे हैं ऐसे टैब, तो वो टैब भी आएंगे इसमें, इनपुट्स हो जाएंगे। आउटपुट्स में क्या क्या आएगा, जो भी पेज जिसमें कोई डायनेमिक कॉन्टेंट ना हो, स्टैटिक वेब पेज हो, या फिर ऐसे पेज जिसमें केवल डायनेमिक वेब पेज स्क्रिप्ट हो, जैसे ASP, ISAPI या DHTML स्क्रिप्ट हो, उसमें रिपोर्ट जो निकल के आएगी, मान लीजिए आप कुछ दिखाना चाहते हैं, कोई ग्राफ दिखाना चाहते हैं, वैल्यूज दिखाना चाहते हैं, वो आउटपुट में आएगा। टेबल कौन कौन से होंगे, देखिए जो लॉजिकल टेबल है डेटाबेस बेस में वो तो है ही है, वो तो टेबल है ही है, अगर आप कोई XML यूज कर रहे हैं डेटा स्टोरेज के लिए वो आएगा, हर एक XML ऑब्जेक्ट को आप इंक्लूड करेंगे। इंटरफेसेस कौन कौन से होंगे, लॉजिकल फाइल जैसे आपका यूनिक रिकॉर्ड फॉर्मेट है, ये आप इंटरफेस यूज करेंगे, जो हमने एक तरीका भी सीखा है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में, हम जानते हैं इंटरफेसेस क्या होते हैं। क्वेरीज क्या होंगी, जैसे आपका कॉम डीकॉम इस तरीके के मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस में जो क्वेरीज आती हैं एक्सटर्नल इंटरफेसेस से, वो हो जाएगा। तो इन सब का इस्तेमाल करके, फंक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करके आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। द मेक बाय डिसीजन, कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एरियाज में सॉफ्टवेयर बनाने से बेहतर होता है कि आप सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, बनाने से अच्छा खरीद लीजिए। तो कई बार जो मैनेजर्स होते हैं या जो कंपनी के शीर्ष अधिकारी होते हैं, उनका उनके एक्विजिशन के अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि हम कैसे खरीदें, क्या खरीदें, कितना खरीदें। जैसे सॉफ्टवेयर को आप खरीद सकते हैं, सीधा जाएं ऑफ द शेल्फ, हाँ भाई ये दे दीजिए हमें, जैसे हम दुकान से सामान लेते हैं। फुल एक्सपीरियंस या पार्शियल एक्सपीरियंस, ऐसे कॉम्पोनेंट जो हम खरीदें, मतलब ये हमने सॉफ्टवेयर खरीद लिया या कॉम्पोनेंट खरीद लिया, इसको मॉडिफाई किया और अपने सिस्टम में लगा दिया, अपने सॉफ्टवेयर में लगा दिया, इसको अपने नीड के हिसाब से परिवर्तित करके। ये हो सकता है कि आप सीधा बाहर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दें कि भाई ये देखिए हमको ये चाहिए, आप बना के दीजिए। तो ये अलग अलग एक्विजिशन के ऑप्शन होते हैं। तो मेक और बाय डिसीजन, बनाना है या खरीदना है, वो किस किस चीज पर आधारित होता है, कि आपकी एक डिलीवरी डेट है, मतलब यहां से लेकर एक टाइम पे आपको डिलीवर करना है, मान लीजिए एक साल में डिलीवर करना है, तो क्या आप जो बाहर बेच दे रहे हैं वो आपके बनाने से पहले आपको मिल जाएगा, यानी आप एक साल अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है तो क्या कोई 8 महीने में आपको बना के दे देगा, ये देखना है आपको या नहीं दे पाएगा। अगर आप कुछ एक्वायर कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर या पार्ट खरीद रहे हैं, और सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद या उसको अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कर रहे हैं या परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्या ये बाय कर पूरा का पूरा बाय करने या आउटसोर्स करने से ज्यादा बेहतर है या नहीं है। अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं, जैसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो बाहर वाला जो इसको सपोर्ट करेगा और आप जो सपोर्ट करेंगे मेंटेनेंस करेंगे, उसमें कॉस्ट का कितना डिफरेंस है, तो तमाम चीजें इसमें देखनी पड़ती है कि हम खरीदें या फिर हम खुद बना रहे हैं इसको। अब आप देखिए ये एक डिसीजन ट्री है, और एक सॉफ्टवेयर हमको बनाना है, सॉफ्टवेयर का मान लीजिए एक्स सॉफ्टवेयर बनाना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है,
इसको शुरुआत से बना सकता है बिल्कुल जीरो से, या वो ये क्या कर सकता है कि उसके पास कुछ ऐसे है हमारे पास पुराने बने हुए कंपोनेंट है उनका रीयूज करे और फिर सिस्टम बनाए। मतलब बिल्ड में तो हर चीज दोबारा बनानी पड़ेगी, रीयूज में कुछ कंपोनेंट हमारे पास मिल जाएंगे, उन सबका यूज करके बाकी अपना और बना के यूज कर लें शायद फाइनल। या ये कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर खरीद लें, एक सॉफ्टवेयर ऐसा खरीदें और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें अपने हिसाब से और जैसे लोकल नीड के हिसाब से, और फिर उसे हम डिलीवर कर दें। या एक हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी बाहर के फर्म को वेंडर को आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दे दें कि देखिए साहब ये बनाना है बना के दीजिए। ये हमारे पास चार ऑप्शन हो सकते हैं, ये यहां पर भी आप देख रहे हैं, ये डिसीजन ट्री में है। अब मान लीजिए अगर ये बनाना है स्क्रैच से, शुरुआत से बनाना है, तो ये अनुमान लगा लिया इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं कि भाई 70% डिफिकल्टी होगी, यानी सिंप्लिसिटी इसकी 0.3% है, 70% पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर हमको इसको स्क्रैच से बनाना है, मतलब बिल्ड करना है स्क्रैच से, तो इसमें 70% पॉसिबिलिटी है बहुत डिफिकल्ट होगा और 30% प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये इजी होगा। प्रोजेक्ट प्लानर ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई इसका जो कॉस्ट होगा वो $450,000 होगा। ओके, एक अगर हम सिंपल डेवलपमेंट एफर्ट लगाएं तो वो क्या होगा, 380,000 होगा। अब हमको ये वैल्यू कहां से मिली, देखिए ये वैल्यू कैसे मिलती है, अब मैं हटा देता हूं यहां से बताता हूं। हम करेंगे क्या, इसमें हमारा सिस्टम एक्स बनाना है, मान लीजिए हम इसको स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हैं, तो बिल्ड पाथ पे जाएंगे, यहां पर हमारे पास हमको बताया गया कि भाई 0.7% तो चांसेस हैं कि डिफिकल्ट हो और 0.3% चांसेस है कि सिंपल हो, और इसका जो कॉस्ट है वो बताया गया कि भाई 380,000, एक्चुअली मैं तो लाख में चलता हूं तो 380,000 हो जाएगा, ये हो गया इतना डॉलर है। और इसको बनाने का जो मतलब डिफिकल्टी से बनाने का जो कॉस्ट आएगा वो होगा $450,000। तो इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा, ये तो हमारे कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.3 × 380K कर देता हूं इसको डॉलर्स, प्लस करेंगे 0.70 × 450K कर देते हैं, इसकी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 429K। तो ये इस ट्री का भाग बता रहा हूं आपको, ये वाला। ऐसे हम सबके लिए करेंगे रीयूज बाय कॉन्ट्रैक्ट, कैसे, देखिए जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आने वाला है, तो रीयूज के लिए कैसे करेंगे, हम 0.40 को 275,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद यहां पर और भी ऑप्शन आ रहे हैं ना मेजर चेंजेस, तो 0.20 को 310 से और 0.80 से को 490 से, और ये इनको ऐड करके फिर इसको 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे। देखिए 0.60 को किससे किया, 0.80 × 410 के, इनको ऐड किया, फिर 0.60 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया 0.40 × 275,000 से, ऐसा आएगा। बाय का कॉस्ट क्या आएगा, यहां पर 0.70 × 210 और 0.30 × 400K और इसको ऐड कर लेंगे, ये आ गया। कॉन्ट्रैक्ट का क्या आएगा आपका, 0.60 × 350K, 0.40 × 500K और ये ऐड करके इतना आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें देखिए एक 429 है, 382 है, 267 है, 410 है, सबसे कम किसका आया, आपका बाय का आ गया, खरीदने का आ गया। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी और प्रोजेक्टेड जो हमने निकाला कि इतना आएगा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है हम इस सॉफ्टवेयर को खरीद लें। ओके, खरीद लें। अब इसमें बहुत सारी चीज आती है, क्योंकि अगर जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जिस जगह सॉफ्टवेयर यूज होना है, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, कितना चेंज होने वाला है, आपका डिसीजन ये वाले सब परिवर्तित होंगे, क्योंकि जिसको आप दे रहे हैं हो सकता है अच्छी कंपनी को दे रहे हैं, बुरी कंपनी को दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट से कितना कॉन्फर्मेंस है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है इसके लिए। आउटसोर्सिंग,
आउटसोर्सिंग का मतलब है अपने काम को दूसरे को दे देना कि भाई ये लो सबलेटिंग या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये लो इस काम को हमारे लिए कर लो। तो एक सवाल इसमें सबसे पहले पूछा गया कि क्या कोई तरीका है सॉफ्टवेयर बनाने का या खरीदने का या लेने का किसी भी तरीके से जिसमें हमें प्राइस कम लगे। मान लीजिए हमें $10 लग रहे हैं, हमको किसी तरीके से $5 में या $6 में काम हो जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो इसका उत्तर आया आउटसोर्सिंग कर दीजिए, इसकी किसी को बाहर दे दीजिए। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज है इनको हम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, है ना। वो ये काम को कम कॉस्ट में कर सकता है और अच्छी क्वालिटी भी दे सकता है होपफुली। अब इसमें जो जैसे मान लीजिए कंपनी एक, कंपनी वन है, उसने अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी कंपनी टू को दे दी, तो कंपनी वन का अब केवल काम क्या हो गया, वो केवल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी करेगी, यानी संविदा पे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि भाई आप ये करिए। अब इसमें जो डिसीजन है कि हमको आउटसोर्स कितना क्या करना है, इसमें स्ट्रेटेजिकल भी हो सकता है, टेक्टिकल भी हो सकता है, सामरिक भी हो सकता है। और टेक्टिकल इसमें स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब होता है कि जो बिजनेस मैनेजर है वो ये देखते हैं कि कौन सा पोर्शन आपके काम का वो हमें देना है। टेक्टिकल लेवल पे मतलब ये कितना सिग्निफिकेंट पोर्शन देना है। प्रोजेक्ट मैनेजर ये देखते हैं कौन सा पार्ट वो बाहर वाला आदमी ज्यादा अच्छे से कर सकता है, उसको वो पार्ट दे दिया जाए। फायदे नुकसान इसके ये हैं कि देखिए आपको लोग हायर नहीं करने पड़ेंगे, आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना पड़ेगा, तो कॉस्ट सेविंग तो वैसे ही हो जाएगी, लोगों की, फैसिलिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबकी कॉस्ट बच जाएगी। कॉन्स इसमें ये है कि आपने कंट्रोल तो इस कंपनी को दे दिया सारा का सारा, आपके हाथ में तो कोई कंट्रोल ज्यादा रहा ही नहीं, आप तो केवल एक मैनेजर की तरह देख रहे हैं, हाँ भाई हो गया, चलिए आप रिव्यू कर लीजिए, अच्छा ये पार्ट हो गया, ठीक है जी। कंपनी में एक रिस्क ये होता है कि ये कंपनी तो इसने इस काम कंपनी को दे दिया, अब इसकी एक कॉम्पिटिटर कंपनी है C3, है ना। अब ये कॉम्पिटिटर कंपनी से कहीं ये कुछ भेद जाए, कुछ हो जाए, तो आप कॉम्पिटिशन के मामले में आप अपना जो आगे का फेट है वो दूसरे के हाथ में दे दे रहे हैं। चलिए साहब, ये बात होती है डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।